तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की? जानते हो, चोट तुम्हें पहुंचती और दर्द मुझे होता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना। एक बात सुन लो, तुम एक पल नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। देख लो भाइयों, आ गई असली बात सामने। अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि अंदर ही अंदर जरूर कोई ऐसी ही खिचड़ी पक रही है। अरे चंदा, ये बड़े लोगों की बात है, हमारे समझ में थोड़ी ना आएगी। बस 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 बस। क्यों नहीं रोका रुद्र को तूने? अगर इतना भी नहीं कर सकती तो इस घर में रहने का क्या फायदा है तेरा? पता नहीं वो वहां क्या तमाशा करेगा, या अब तक कर भी चुका होगा। लेकिन माँ जी, बस बस कर गौरी, मैं ठीक हूँ। वैसे भी सगाई तुम दोनों की और फुटेज मैं खा रहा हूँ। अगर तुझे इस बात का जरा भी एहसास तो अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा। अब तू यहाँ से जाएगा या यूं ही खड़े खड़े घूरता रहेगा? तब तू यहाँ से जाएगा नहीं, मेरी नातिन की सगाई पूरी नहीं होगी। चल जा यहाँ से। नानी, निकल जा यहाँ से, मैंने कहा। चल, रुक। इसे लेकर गाड़ी में जाओ, मैं इनसे निपट के आती हूँ। बेटे को धक्के मार कर निकाला तो ये अमीरजादी यहाँ आकर टपक गई। अरे पहले कह दिया होता मैं तुम्हारे पूरे खानदान को न्योता दे देती राजरानी। कम से कम मेरी नातिन की सगाई तो शांति से हो जाती। हमारे ही पैसों की दावत और हमें ही न्योता देने की बात कर रही हो? मुझे और मेरे परिवार को तुम जैसे भिखारियों की दावत में आने का कोई शौक नहीं है। समझ में नहीं आता क्या कहूँ तुझे। सगाई की सारी तैयारियां करवा के मेरे रुद्र को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया तूने और तेरे परिवार वालों ने। असल में तू कल्की की ही नाती निकली रिश्ते में, पैसों की गुड़िया। और आप श्री रविशंकर वर्मा, मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ के इशारे पर मेरे बेटे की बेइज्जती हुई है। अब देखो मेरे एक इशारे पे तुम्हारा क्या हाल होता है। जिस मीरठ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तुम काम करते हो ना, उसमें 48% शेयर रावत ग्रुप के हैं। उस रावत ग्रुप के मालकिन मैं हूँ। राजरानी जयराज सिंह रावत, तुम्हारे जैसे एक अदने से कर्मचारी को झूठे इल्जाम में फंसाकर धक्के मार के वहां से बाहर निकलवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ना तो तुम कहीं किसी नौकरी के लायक रहोगे, ना तुम्हारा खानदान कहीं उठने बैठने के लायक रहेगा। समझ गए ना? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। अगर तू ये चाहती है कि तेरा बेटा नौकरी से ना निकलवाया जाए तो बोल अपनी समधन से कि मेरे बेटे की बेइज्जती करने के लिए मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगे, नाक रगड़ कर। मैं तैयार हूँ राजरानी जी, मैं तैयार हूँ राजरानी जी।